बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश खुर्रम होंगे, अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे, दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ आपको नसीब हो। आज आपके लिए एक छोटी सी रेसिपी और बहुत मज़ेदार कद्दू की, ये देसी कद्दू है, ये देखें, ये 1 किलो का एक कद्दू है, इस तरह का होता है ये हमारा देसी कद्दू, जिसे हम हिनको में कंड्यारा कद्दू भी कहते हैं और पहाड़ी कद्दू भी कहते हैं। इसको हम इस तरह काट लेंगे और इसके बाद हम इसका छिलका उतारेंगे। छिलका आराम आराम से इसका उतार के इसको साफ़ कर लेंगे और आपको एक बेहतरीन रेसिपी दिखाएंगे। ये हो गया हमारा कद्दू, बिल्कुल छिलका उतार दिया हमने इसका। इसको काट लेंगे 2 हिस्सों में और इसके 4 हिस्से हम करेंगे। इस तरह से हम इसके 4 हिस्से कर लेंगे। और इसके अंदर से हम बीज जो हैं, ये जो बीज हैं, ये हमने निकाल देने हैं। ये बीज हमने निकालने हैं सारे। हमारे चैनल पे नए आने वाले जो लोग हैं उनको हम खुश आमदेद कहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इसको हम इस तरह छोटे छोटे पीस अब बना लेंगे, बिल्कुल इस तरह छोटे छोटे पीस हमने इसके बना लेने हैं। अब इसको हमने एक छलनी में डाल के धोना है। छलनी में डाल के हम धो लेंगे। ये देखिए हमने धो लिए हैं। अब इसको हमने थोड़ी देर रखना है ताकि इसका पानी निकल जाए। पतीला हमने चढ़ा दिया है, उसमें डाल दिया है हमने, चूल्हा जला दिया हमने। पानी डालेंगे हम, इतना पानी डालेंगे जिसमें ये सारे डिप हो जाएं और इनको बॉयल करेंगे। जब तक कि हमारे कद्दू बॉयल होंगे तब तक हम एक चटनी बनाएंगे। ये देखिए ये बॉयल हो रहा है। अनारदाना और तिम्बर 1-1 टीस्पून, इसको हमने अच्छी तरह पीस लेना है बारीक करके, बिल्कुल बारीक करना है हमने इसको। लहसुन के 3 पीस हमने लिए हैं, इनको भी पीस लेना है, बिल्कुल बारीक करना है। इसके बाद हमने पुदीना, ये इसको भी बारीक पीस ले। धनिया डाल दिया हमने, सब्ज़ धनिया, धनिया और पुदीना, सारी चीज़ों को हमने बेहतरीन करके पीस लेना है। 5 सब्ज़ मिर्चें लिए हैं हमने, इनको भी बारीक पीसेंगे। नमक 1 टीस्पून शामिल किया है, मिक्स करेंगे आप इसको अच्छी तरह। कद्दू हम हमारा बॉयल हो रहा है, अब देखते हैं इसको। ये देखें ये अब नरम हो गया है। चूल्हा हम बंद कर देंगे अब इस के नीचे से और इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। एक छलनी में डालेंगे और इसका पानी जो है वो ताके निकल जाए।
पंख के नीचे रखेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। 1 किलो दही लिया है हमने, उसमें ये सारे कद्दू ठंडे करके हमने मिक्स कर दिए इसमें दही में, और अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे दही के अंदर। गर्मियों की ये बेहतरीन रेसिपी है, गर्मियों में किचन में खड़ा नहीं हुआ जा सकता, इसलिए ये आसान सी रेसिपी है। ये चटनी जो हमने बनाई थी ये इसमें हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह ताकि सारे दही के अंदर ये चटनी मिक्स हो जाए। ये ठंडी बिल्कुल रेसिपी है, कद्दू की तासीर भी ठंडी है और दही भी। नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको हम। काली मिर्च हम थोड़ी सी ऐड करेंगे इसमें, गर्मियों में ये बेहतरीन है, आपको किचन में इतना ज़्यादा खड़ा नहीं होना पड़ेगा। सिंपल आपने बॉयल करना है सिर्फ। सफ़ेद ज़ीरा हमने हल्का सा इसको रोस्ट करना है, खुशबू आ जाए तो फिर। ये देखिए हम सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रहे हैं इसमें, इसको रोस्ट किया था हमने हल्का सा खुशबू आने तक। सफ़ेद ज़ीरा सारा मिक्स करके अब डिश आउट कर दिया हमने। थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा जो बचा के रखा था वो गार्निश के लिए, अब पुदीना इस पे हम गार्निश कर रहे हैं। बेहतरीन रेसिपी है, गर्मियों में आप बच्चे भी बूढ़े भी सब शौक से खाएंगे, बहुत मज़ेदार हैं। हमारी आने वाली वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दुआ के साथ कि आप खुश व खुर्रम रहें, अल्लाह पाक दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियां आपको नसीब करे। ये आपने तकरीबन 60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी सपोर्ट करें। हमारी आने वाली वीडियो तक आपके लिए खुदा हाफिज़।